और चलिए आगे बढ़ते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता मनोज तिवारी का केजरीवाल सरकार पर हमला, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है केजरीवाल सरकार। केजरीवाल को सीएम पद पर रहने का अधिकार नहीं, ये बयान मनोज तिवारी की तरफ से आया। मामले में सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए, बीजेपी सांसद ने ये मांग की है। छठ का प्रतिबंध हटा लेकिन जमुना जी प्रतिबंधित रहेंगे। अब समझ में आया है कि जमुना जी क्यों प्रतिबंधित रहेंगी, क्योंकि ये जो दृश्य है ना भैया, तेरा इधर आना बाबू, ये दृश्य को छुपाना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए, इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, जो लोगों के जीवन से भी खेल रही है, लोगों की आस्था से तो खेल ही रही है। लेकिन अगर आप 7 साल बाद ये तस्वीर देते हैं दिल्ली को, तो इसमें इनको अपने पद पे बने रहने का अधिकार नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसका सुओ मोटो लेना चाहिए। तो यमुना में फैला सफेद जहर कैसे दिल्ली वासियों के लिए खतरा बनता जा रहा है, जी मीडिया संवाददाता शिवांक मिश्रा ने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया है। आसमान हो या पानी, देश की राजधानी दिल्ली का प्रदूषण को लेकर दोनों की मार दिल्ली वासी झेल रहे हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के यमुना घाट पर। यहाँ पर देख सकते हैं कि छठ के अवसर पर जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से इस गंदे पानी में यमुना के यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देखिए कि कितना गंदा झाग है यहाँ पे। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी इस यमुना में, वहाँ तक आपको झाग ही झाग, झाग ही झाग दिखाई देगा। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि कितना गंदा पानी, इतने गंदे पानी में आप लोग पूजा कर रहे हैं। मैम सर, हमारे सब के यही है, ये है पूजा करने के, चाहे कितनों छठ पूजा है ना, बड़ी भारी है, तो गंदा हो चाहे वो हो, करना है ये तो सरकार के ना सोचना चाहिए, हम सबके व्यवस्था करना चाहिए सर। अच्छा, पानी आप लोग देख रहे हैं कितना नुकसानदेह, पूरा मतलब नुकसानदेह कुछ दे, इन्हीं के ऊपर सब कुछ है हम लोगों की। छठ पूजा में भगवान जी को अर्घ देंगे, यही पानी से, यही पानी शुद्ध मानते हैं ना। यहाँ पर कालिंदी कुंज का यमुना घाट है, यहाँ पर श्रद्धालु भी, आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का भी यहाँ पर लगातार, श्रद्धालु यहाँ पर आके पूजा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं क्योंकि पूजा पाठ का सभी यहाँ पे, जो भी आज छठ का पहला दिन था, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार श्रद्धालु भी पूजा पाठ करने के लिए उमड़े हुए हैं। लेकिन आप तस्वीरों में आप देखिए जरा कि मतलब पूरा यमुना घाट में आपको पानी से ज़्यादा झाग दिखेगा, और ये झाग बिल्कुल तैरता हुआ, आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी, यमुना की जो गंदगी है वो आपको लगातार साफ दिखाई दे रही है, कि पानी के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शैम्पू को मिला दिया है या फिर साबुन का एक घोल मिला दिया है, इतना गंदा पानी है ये। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कल कि दिल्ली में यमुना के पानी में जो अमोनिया बढ़ी थी, उसकी वजह से कल पूरी दिल्ली में पानी की किल्लत हुई थी। कल दिल्ली के कई इलाकों में, यहाँ पर जो दिल्ली के इलाके थे वहाँ पर गंदा पानी भी आया था। आप देखिए कि कितना काला पानी है, कि ये आप देखिए पूरी व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब 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 लोगों को यहाँ पर कोई भी उनको सुविधा नहीं मिली किसी भी तरह की सरकार से, तब लोगों ने का कहना है कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था कि वो यहाँ पर घाट पर, इस गंदे घाट पर आकर अपनी पूजा कर पाएँ।